जो अल्लामा इकबाल ने जो डॉक्ट्रिन, जो विजन, जो सोच, जो फिक्र मुस्लिम उम्मत को दी है, एसेंस। उसका एसेंस, उसकी रूह, उसकी मेराज फलसफा खूनी पर। इकबाल कहते हैं कि जमीन व आसमां, कुर्सी व अर्श खुदी की जद में है सारी खुदाई। अगर तुमने अपनी खुदी बेदार नहीं की, अपने वजूद में उन फोर्सेस को एक्टिवेट नहीं किया, अपनी खुदी को समझे नहीं, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को इस्तेमाल नहीं किया जो तुम्हारे वजूद में है, तो फिर दुनिया में तुम कोई तब्दीली नहीं ला सकते। हाय खुदी है मिसाल तेग असील के, खुदी की जब हम बात करते हैं कि मिसाल तेज तलवार है ये, अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगी तुम्हें काट के रख देगी, ये तुम्हें कंफ्यूज भी कर सकती है, मगर ये डायमेंशंस इतनी लतीफ, इतनी बारीक, इतनी नाजुक हैं, इसके लिए किसी ऐसे उस्ताद को तलाश करो जो खुद खुदी के मकाम पर हो। और इकबाल बार बार मुर्शिद कामिल की बात करते हैं, मर्द कामिल की बात करते हैं, इकबाल के कलाम में बार बार जिक्र है इस बात का, निगाह मर्द मोमिन की बात करते हैं। इस वक्त हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसको अल्लाह के बंदे कहत और रिजाल कहते हैं। अल्लाह के बंदे ख़त्म हो गए। माशी कहत होता है ना, आटा दाल चावल ख़त्म हो गया, कहत और रिजाल में अल्लाह के बंदे ख़त्म हो गए। और ये इंतहाई ख़तरनाक वक्त होता है, ये ऐसा वक्त होता है कि जिसमें आपको अल्लाह से शदीद इस्तग़फ़ार करनी होती है, क्योंकि इस कहत और रिजाल के दौर में फितनों के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह का बंदा होता ही नहीं स्टैंड लेने के लिए, जिनकी जिम्मेदारी होती है माशरे की, मुल्क की, कौम की हिफाजत करना, वही खाइन होते हैं। आप किस पर एतबार करेंगे? ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता देनी शुरू की थी, कोई स्कैंडल हम पे बना के हमने पैसे खाए लोगों के, कोई स्कैंडल और बनाया हमारे ऊपर के नाउज़ बिल्ला किसी के एजेंट हैं, कोई किसी वेस्टर्न इंटरेस्ट के तहत काम कर रहे हैं, कोई पैसे बनाए हमने, कोई जायदाद बना ली, नाउज़ बिल्ला लोगों को एक्सप्लॉइट करना कोई मुश्किल काम है। यहाँ तो हर 2% के आदमी ने अपनी दुकान बना के, एक जमात बना के लोगों से पैसे तोड़ने शुरू किए और एक्सप्लॉइट करना। हम तो वैसे ही आज मिस्कीन है, आज जैसे शुरू हुए थे उससे ज्यादा गरीब हो गए, टू बी ऑनेस्ट अगर टू स्टार्ट, क्योंकि अब जितना कुछ था वो सब भी इसी मिशन में वापस लग गया था। हमने तो कोई सेविंग्स नहीं बनाई, कोई मैंने घर बना लिया। अल्लाह का फजल, अल्लाह का फजल है कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हमारे नाम पर कोई शेयर नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं, कोई ग्रेचुटी नहीं है। हमें यह नहीं पता होता कि 3 दिन के बाद मेरा खर्चा कहाँ से पूरा होगा। अल्लाह के तवक्कुल पर चल रहा है मामला सारा। लोगों के पास तो रिजर्व होते हैं, साल 2 साल कम से कम 6-8 महीने का खर्चा पड़ा होता है कहीं पे, कोई बैकअप होता है। अल्लाह की कसम हमारे पास तो 10 दिन का खर्चा नहीं पड़ा होता कभी। अल्लाह के तवक्कुल पे ही होता है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो। लोगों को नजर नहीं आया क्या फिर भी कि हम ये जो अजान दे रहे हैं किस लिए?
हमारा काम, हमारा रोल, हमारी ड्यूटी, अल्लाह ने विजन अगर हमें दिया है, अल्लाह ने हमें शरा सदर अदा किया, अल्लाह ने हमें हिकमत और फिरासत अगर अपने तोहफे में अदा किए, तो हमें इसी काम के लिए दिए कि हम हक को समझ के, जान के, खुल के अजान दें, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। मुझे है हुक्म अजान, लगे किसी को बुरी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पे कहती हैं आईएसआई का एजेंट है, ये आर्मी इसको बैक कर रही है, हर वक्त आर्मी का दिफा करते हैं। हालात को दफा से एक हालात समझो क्या है, ये नहीं कि आर्मी की हर पॉलिसी से हम इत्तेफाक करते हैं या हमें तनख्वाह लगी हुई है फौज का दिफा करने की। हालात समझो क्या है, इस वक्त हमारी स्ट्रैटेजी ये है बच्चों काम करने की, कि हम इस वक्त एक तरफ कौम को हौसला दे रहे हैं, उम्मीद दिला रहे हैं, इसको मुत्तहिद कर रहे हैं। हमारे माशाल्लाह प्यार करने वाले बच्चे जो हमारी बात सुन रहे हैं, उनमें ना कौमियत का फर्क है, ना लिसानियत का फर्क है, ना इलाके की कोई बात है, सबकी एक नस्बत है, नस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब गुंबद के साथ या सब हिलाली परचम के साथ हमारी एक ये नस्बत है, और इस सब रंग के साथ, सब गुंबद के साथ हमारी नस्बत है। बस हम किसी और तीसरी नस्बत को जानते ही नहीं, वी डोंट रिकग्नाइज एनी नस्बत। और इसी वजह से जो प्यार करने वाले हैं, जो प्यार करने वाले हैं, वो हमारी तरफ खींचे चले जाएंगे और आ रहे हैं सजान पे, लबैक कह रहे हैं। No.